आज शनिवार को पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगाने के कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया है। यहां आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर लोगों का भ्रम दूर करने के लिए दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वयं कोरोना वैक्सीन लगवाई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन की डोज ली है। देश भर में आज शनिवार को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। बता दें कि सबसे पहले दिल्ली एम्स के एक सैनिटेशन कर्मचारी को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन की डोज ली। यहां ये भी बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में वैक्सीन लगवाई। बता दें चले कि डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाकर इससे जुड़ी सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि यह एक सुगम कार्यक्रम होगा, साथ ही हम बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी को आश्वस्त करते हैं कि टीका सुरक्षित है, हमें बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करना है और इसलिए हम बहुत अधिक अस्थिर नहीं हो सकते। हमें अपने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नियामक अधिकारियों में विश्वास होना चाहिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन सवालों के जवाब दिए हैं जिसको लेकर लोगों के मन में भ्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनका जवाब देने के लिए 3 वीडियो जारी किए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि शुरुआत में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिस्क फैक्टर के हिसाब से टीकाकरण की प्राथमिकताएं तय की हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। बताते चले कि देश के इतिहास में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जिस कोरोना वैक्सीन का पूरा देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज वह वैक्सीन हमारे बीच आ गई है। भारत पहले ही चरण में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर रहा है, लिहाजा देश भर में आज 3,15,037 लोगों को टीके लगेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। यहां ये भी बता दें कि पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज लगाना बेहद जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच करीब 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ शक्ति विकसित हो पाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.